गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 5 का पहला चैप्टर हम भारत के भरत का शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर आपका जो है, हम भारत के भरत क्लास 5 का ये आपका पहला चैप्टर है। पहले देखिए शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ क्या है। पहला क्या है आपका जो है संतान। संतान का मतलब क्या होता है जो है औलाद। संतान को क्या कहते हैं, औलाद कहते हैं। जैसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है तो क्या करेंगे जो है, प्रत्येक माँ अपनी संतान से प्यार करती है। संतान का मतलब क्या है, औलाद। वाक्य में अगर प्रयोग करना है और समझना है तो प्रत्येक माँ अपनी संतान से क्या करती है जो है, प्यार करती है। यह आपका संतान का मतलब है जो है। दूसरा गर्व। गर्व का मतलब क्या होता है, अभिमान। गर्व का मतलब क्या होता है आपका जो है, अभिमान। जैसे अगर वाक्य में प्रयोग करना हो तो कैसे बोलेंगे, मुझे अपने देश पर गर्व है, मुझे अपने देश पर गर्व है, या मुझे अपने देश पर अभिमान है। तीसरा क्या है, सौगात। सौगात का मतलब क्या होता है, उपहार। सौगात का मतलब क्या होता है जो, सौगात मीन्स उपहार। अगर वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, मेरे जन्मदिन पर मेरी बहन ने मुझे एक मोबाइल सौगात के रूप में दिया, यानी कि मुझे एक मोबाइल उपहार के रूप में दिया। मेरे जन्मदिन पर मेरी बहन ने मुझे एक मोबाइल उपहार के रूप में दिया या सौगात के रूप में दिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिफ्ट। आश्चर्य मीन्स क्या होता है जो है, आश्चर्य। अंग्रेजी में सरप्राइज, आश्चर्य मतलब क्या होता है हिंदी में जो है, आश्चर्य। अगर वाक्य प्रयोग में समझना है तो मेरा मित्र रोबोट को अचरज से देखा। मेरा मित्र रोबोट को अचरज से देखा, या आश्चर्य से देखा। अचरज का ये वाक्य प्रयोग है, अचरज मतलब क्या होता है, आश्चर्य। जैसे कि मेरा मित्र रोबोट को अचरज से देखा, या मेरा मित्र रोबोट को आश्चर्य से देखा। ये आपका अचरज का मतलब है, किसी चीज को देख करके आश्चर्य में आ जाना, उसको क्या बोलते हैं जो है, अचरज बोलते हैं। आपको जो है 5, 1, 2, 3, 4 5 वर्ड मीनिंग की व्याख्या की गई है। अब मैं रुक रहा हूं, आपको क्या करना है जो है, इनको अपनी कॉपी पर राइट डाउन करना है। आपको कॉपी पर जो है इनको लिख लेना है। शब्दार्थ हम 2 मिनट के लिए हम पॉज कर रहे हैं, आप इनको जो है अपनी कॉपी पर लिखते जाइए।
आपका नेक्स्ट है जो है पांचवा है आपका मेहनत। मेहनत का मतलब क्या होता है? परिश्रम। वाक्य में प्रयोग करके देखिए, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा होता है। या जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है वह सफलता प्राप्त करता है। वाक्य प्रयोग क्या है? मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का मतलब क्या होता है? परिश्रम। वाक्य में अगर प्रयोग करना है या और बढ़िया समझना है तो वाक्य प्रयोग कर लीजिए, मेहनत का फल मीठा होता है, पूर्ण विराम। और छठवां क्या है आपका? कठिन। कठिन मतलब क्या होता है? मुश्किल। वाक्य प्रयोग कीजिए जो है कठिन, मतलब क्या होता है जो मुश्किल। परिश्रम से कठिन काम आसान हो जाता है, ये कठिन का वाक्य प्रयोग है। परिश्रम से कठिन काम आसान हो जाता है। कोई भी कठिन काम हो अगर आप परिश्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा जो है? आसान हो जाएगा जो है। परिश्रम से कठिन काम या मुश्किल काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ये दो आप लिख लेंगे जो है, मेहनत और परिश्रम। ये पांचवा और सिक्स। 1 मिनट के लिए पांच कर रहा हूं, रुक रहा हूं जो है। अब देखिए अगला जो है व्रत। इस लाइन खींचा हुआ है, व्रत का मतलब क्या होता है? उपवास। अगर वाक्य में प्रयोग करके समझना है तो कैसे समझेंगे? हमें स्वस्थ रहने के लिए व्रत करना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए या उपवास करना चाहिए। व्रत मीन्स क्या होगा? उपवास। जैसे अगर वाक्य में समझना है तब वाक्य प्रयोग है जो है, हमें स्वस्थ रहने के लिए व्रत करना चाहिए या उपवास करना चाहिए। और आठवां क्या है? सौगंध। सौगंध का मतलब क्या होता है? जो शपथ। सौगंध मीन्स क्या होता है हिंदी में जो है? शपथ। वाक्य प्रयोग, मैं देश की रक्षा हेतु सौगंध लेता हूं। मैं देश की रक्षा हेतु सौगंध लेता हूं या शपथ लेता हूं। मैं अपने देश की रक्षा के लिए सौगंध लेता हूं या शपथ लेता हूं। यह आपका सौगंध का वाक्य प्रयोग है। सौगंध मतलब क्या होता है? शपथ। तो व्रत और सौगंध दोनों को लिख लीजिए। अब आपका है प्रश्नोत्तर। अब आपका प्रश्नोत्तर शुरू हो रहा है जो है पाठ चैप्टर 1, हम भारत के भरत। प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक है,
भरत किससे खेलते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह, भरत किससे खेलते थे? उत्तर, भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। भरत किससे खेलते थे? भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। लिख लीजिएगा इसको, आधा मिनट रुक रहे हैं। अगला है आपका प्रश्न नंबर दो, पुरखों, खों पर बिंदु है, पुरखों की सौगात क्या है, यानी कि पुरखों का उपहार क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। पुरखों की सौगात क्या है? उत्तर, उ आधा त तो, फिर पूरा त तो। उत्तर, साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। लिख लेंगे इसको, आधा मिनट रुक रहे हैं। और रहा आपका ये लास्ट प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 3, हमें जान से क्या प्यारी है? हमें जान से क्या प्यारी है? उत्तर, हमें जान से प्यारी भारत माता है। हमें जान से क्या प्यारी है? हमें जान से प्यारी भारत माता है। 1 मिनट इस पर रुक रहा हूं, जो है आधा मिनट। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्म पर आपको क्या करना है, प्रश्न आप लिख चुके हैं, प्रश्न उत्तर आपको लर्न करना है और होमवर्क की कॉपी पर आपको लिख करके जो है प्रैक्टिस करनी है, प्रश्न उत्तर की और शब्दार्थ की। बाकी आपको नेक्स्ट टर्म पर मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही से सदुपयोग कीजिए और बेस्ट ऑफ लक।